शरणा पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें तब हुन लागे जोटे। पूरण ब्रह्म के पान घान सुन के शो कर तारे, गरीब दास मुझे दीन की रखिया बहुत संहारे। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोके, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय। स्वामी जयत्राम जी महाराज की जय, स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय, परम धाम छुड़ानी धाम की जय, सर्व धामों की जय, गौ माता की जय, गंगे माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दासी महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीब दास महाराज जी के सभी प्रेमियों को गरीब दास साहिब के अवतार की बहुत बहुत बधाई है। सन 1717 बैसाख पूर्णिमा के दिन बंदी छोड़ गरीब दास साहिब का अवतरण हुआ। इसी उपलक्ष में परम धाम छत्री साहिब छुड़ानी धाम में 108 श्री अखंड पाठ परसों से 25 मई अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं, जो बैसाख पूर्णिमा 5 मई को पूर्ण होने हैं। परसों से ही आरती का, सत्संग का, भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। आज से 9 दिन तक बंदी छोड़ गरीब दास साहेब की कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। बहुत से भक्त कहने लगे कि महाराज जी राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, अनेक संतों ऋषि मुनियों की कथा होती, गरीबदास महाराज जी की कथा भी होनी चाहिए। वैसे तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में जो कुछ सार बताया है, ये जो 48 घंटे तक निरंतर उच्चारण होने वाली अमृतमयी वाणी है, ये कथा ही है, सारांश है। लेकिन क्रमवार एक एक करके सतगुरु जी के अवतार से लेकर और सतगुरु जी के वापस परम धाम जाने को जितनी भी दिव्य लीलाएं सतगुरु जी के जीवन से संबंधित हैं, उनका मैं 9 दिनों में उल्लेख करूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के हर प्रवचन को, आरती को, सत्संग को देखते हैं, सुनते हैं। उन लोगों का भी आग्रह था कि महाराज जी हम सब लोग छुड़ानी धाम तो नहीं आ सकते, लेकिन बंदी छोड़ गरीब दास साहेब की कथा श्रवण करना चाहते हैं। सो आज से ये कथा प्रारंभ है, 27 अप्रैल से, 27, 28, 29, 30 अप्रैल, 1, 2, 3, 4, 5 मई, 9 दिन तक ये कथा चलेगी, करीब 1 घंटे की। 8 बजे प्रारंभ होगी और 9 बजे कथा की पूर्णता होगी। छुड़ानी गांव से माताएं बहने, हमारी चाची, दादी, ताई, जो भी नाते में लगती हैं, उन सबको भी निमंत्रण भेजा गया है।
क्योंकि संगत तो ज्यादातर आखिरी 3 दिनों में आती है, 3, 4, 5 मई को। लेकिन गांव के जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, भाई बंद हैं, नातेदार हैं, पड़ोस के गांव के भी, वो तो नित्य ही आ सकते हैं। तो जो वृद्ध माताएं हैं उनके लिए कुर्सी डलवा दी गई है, और जो नीचे बैठ सकते हैं वो आराम से नीचे बैठे। तो आइए सदगुरु जी का स्मरण करके हम कथा प्रारंभ करते हैं। पहले एक अरदास कर रहे हैं, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी गरीब दास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सबसे पहले तो विचार करते हैं कि उस समय क्या परिस्थिति थी जब बंदी छोड़ गरीब दास महाराज जी का अवतार हुआ, सन 1717 में। ये 18वीं शताब्दी की बात है। उस समय भारतवर्ष एक बहुत बड़े आतंक से पीड़ित था, मुस्लिमों का आक्रमण, आक्रांता जो थे वो हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करते थे। बादशाह जो थे मुगल सल्तनत के, वो कमजोर होते गए, छोटे छोटे शहंशाह बनते गए, दिल्ली के तख्त पर भी बड़े कमजोर बादशाह बैठे, सुरा में सुंदरी में डूबे हुए राजाओं शासकों के कारण जो जागीरदार थे, नवाब थे, वो भी अपनी अपनी मर्जी चलाने लग गए, जनता पर कई प्रकार के अत्याचार करने लग गए। उस समय जनता धर्म के चक्कर में, जात पात के चक्कर में, मजहब के चक्कर में, ऊंच नीच के चक्कर में फंसी हुई थी। तो ऐसे समय में जनता जब त्राही मान कर रही थी, तो कबीर साहिब के अवतार के रूप में बंदी छोड़ गरीब दास महाराज जी छुड़ानी धाम में अवतरित हुए। किस लिए अवतरित हुए? जितने जीव तरफ रहे थे, दूसरों के भय से, पीड़ा से दुखी थे, और ये कहते थे कोई आकर हमें बचाए, तो उस समय पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब के अवतार के रूप में बंदी छोड़ गरीब दास साहिब यहां पर पधारे। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। और ये जो छुड़ानी गांव है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत से लोग तो जानते हैं, लेकिन दूर दराज के आदमियों को नहीं पता। दिल्ली से पश्चिम दिशा में 40-42 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। पहले तो पंजाब प्रांत में था, और रोहतक जिला में पड़ता था, लेकिन अब वर्तमान में हरियाणा प्रदेश है, और इसके साथ झज्जर जिला बन गया और बहादुरगढ़ तहसील बन गई। नजदीक का रेलवे स्टेशन भी बहादुरगढ़ है। दिल्ली से बहादुरगढ़ रेल से भी, बस से भी आया जा सकता है। तो इस नगरी में, इस गांव में गरीब दास साहिब का अवतरण हुआ, तब से ये गांव गांव ना रहकर धाम बन गया। अब इसका नाम है छुड़ानी धाम। सभी लोग छुड़ानी धाम के नाम से जानते हैं, गांव के नाम से नहीं जानते। बोलिए छुड़ानी धाम की जय।
यहां पर पहले चंद्रावती नदी बहती थी और इसी गांव में चौधरी शिवलाल सुहाग एक बड़े जिम्मेदार थे। आज देखो उनके नाम से शिवलान पाना है, एक मोहल्ला है गांव के, चार मोहल्लों में एक मोहल्ला चौधरी शिवलाल सहवाग के नाम से। चौधरी शिवलाल जी जमींदार बहुत बड़े थे, लेकिन काफी बड़ी उम्र होने के बावजूद उनके यहां कोई पुत्र नहीं हुआ। दो पुत्रियां थी, जो बड़ी पुत्री थी पठानी देवी, उसकी शादी दिल्ली के नरेला के पास खेड़ा गांव में हो गई, और दूसरी पुत्री थी रानी देवी। रानी देवी की शादी रोहतक के पास करोथा गांव है धनखड़ गोत्र का, जो कि छुगानी से 25 किलोमीटर दूर है। वहां पर चौधरी हरदेव सिंह थे, वो भी बड़े जिम्मेदार थे। हरदेव जी के सुपुत्र थे बलराम जी, तो रानी देवी की शादी बलराम जी के साथ संपन्न हो गई। बलराम जी भी धर्म प्रेमी थे, हरदेव जी भी धर्म प्रेमी थे, और उनके गांव करौथा में भी कबीर पंथी संतों का काफी समय से आना जाना था। पूरी नगरी में कबीर साहिब के उपासक रहते थे, और इधर छुड़ानी गांव में भी कबीर साहिब के संत, कबीर साहिब के विचार सागर, अनुराग सागर, बीजक, साखी ग्रंथ, रमैनी आदि का प्रचार करते थे। चौधरी शिवलाल जो थे वो भी कबीर पंथी साधुओं से बड़े प्रभावित रहते थे, और इधर हरदेव जी का परिवार भी। तो देखो दोनों परिवारों के संस्कार मिल गए, दोनों ही परिवार मूल रूप से सदगुरु कबीर साहिब की परंपरा से, उनकी वाणी से, उनकी सीख से प्रभावित थी। 9 साल तक रानी देवी अपनी ससुराल करौथा में रही, वहां रहकर कबीर साहिब के बीजक का पाठ करते रहे। 9 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इधर शिवलाल जी के भी कोई पुत्र नहीं था, वो भी बहुत परेशान रहते थे, इतनी जायदाद को कौन संभालेगा। एक दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से विचार किया और जाकर अपनी पुत्री को, दामाद को, अपने समधी को, समदर को छुड़ानी आने का न्योता दिया, और तय समय पर वो सभी आ गए। तो शिवलाल जी ने बहुत विनम्र स्वभाव के साथ हाथ जोड़कर अपने समधी जी के आगे प्रार्थना की कि मेरी आयु बहुत हो चुकी है, लड़का कोई नहीं, खेती बाड़ी जायदाद को संभालने वाला कोई नहीं, अगर आप दोनों को, पति पत्नी को ऐतराज ना हो, तो मैं अपनी बेटी को छुड़ानी में और अपने दामाद को घर जमाई रखना चाहता हूं छुड़ानी में। काफी सोच विचार के बाद हरदेव सिंह जी ने सहमति दे दी। तब से बलराम जी और रानी देवी यहां छुड़ानी धाम में रहने लगे, भजन कीर्तन करते, कबीर के बीजक का पाठ करते, धर्म में आस्था थी। उनके मन में कहीं भी कोई इच्छा नहीं थी कि कोई पुत्र हो, कोई संतान हो। भाई उधर से आओ, नंबरदार आप उधर बैठ जाओ, कोई आए तो उसको पीछे से भेजो, कैमरे के आगे से कोई नहीं आएगा। लेकिन शिवलाल जी चिंतित रहते थे कि मेरे भी संतान नहीं, उसका तो इलाज हो गया भाई, मैंने अपने दामाद को घर जवाई रख लिया, बेटी भी मेरे पास रहती है, लेकिन बेटी के यहां भी तो कोई संतान नहीं, चिंता में रहते थे। तो छुड़ानी में जो तालाब है जोहड़, इसको डाब बोलते हैं, उसके कंठारे पर झोपड़ी बनी हुई थी, समय समय पर संत आते रहते थे, सारी नगरी को कीर्तन सुनाते थे, अच्छी शिक्षा देते थे। और शिवलाल जी क्योंकि धनी मानी थे, बड़े जिम्मेदार थे, तो हर संत का आदर करते थे, भेंट करते थे उनको, उनके भोजन की व्यवस्था भी करते थे, उनसे ज्ञान भी प्राप्त करते थे। तो एक दिन एक बड़े
विद्वान बुजुर्ग संत आए और शिवलाल जी जो अपनी बेटी को साथ लेकर रानी देवी को दूध का कटोरा और एक वस्त्र लेकर उनके पास गई। प्रणाम करने के बाद कहा कि महाराज जी आप विद्वान हैं, संत तो परमात्मा के रूप होते हैं और जनता की अपने भक्तों की भलाई करते हैं, कोई शंका है उसका समाधान करते हैं और कोई इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति करने का उपाय बताते हैं। मेरे पास सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ, मेरे औलाद नहीं लेकिन मेरे दामाद और लड़की के पास भी औलाद नहीं, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? संत जी ने कहा कि आप बड़े धर्म प्रेमी हैं, साधु सेवी हैं और ऐसा कहकर वो संत जी विचार में बैठ गए, आंखें बंद कर ली। संतों के पास बहुत शक्ति होती है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि साध की महिमा वेद न जाने, और गरीब दास महाराज जी ने तो निचोड़ दे दिया, दास गरीब संतन को सेव 84 मिट गई सुखदेव। ये तो बड़ी मामूली सी बात थी संतान की वाली। संत जी कहने लगे, चौधरी शिवलाल जी आपकी बेटी और आपके दामाद साधारण पुरुष नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है, मैंने ध्यान लगाकर देखा है, पिछले जन्म में भी ये पति पत्नी थे और इन्होंने परमपिता पूर्ण परमात्मा की घोर तपस्या की थी। दामाद का नाम था शिव स्वरूप और आपकी बेटी का नाम था रामरति। इनकी अखंड तपस्या से परमात्मा प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि परमात्मा सब कुछ हमारे पास है, धन धान्य से परिपूर्ण है, कोई इच्छा नहीं, नहीं फिर भी मन में अंतःकरण में कोई सूक्ष्म सी इच्छा हो बताओ। कहने लगे एक इच्छा है बड़ी प्रबल है, क्या? ये हम आपका अपने घर में सानिध्य चाहते हैं, ये आप स्वयं हमारे घर में प्रकट हो। और परमात्मा ने तथास्तु कह दिया। नंबरदार जी वहां खड़े हो जाओ, इशारा नहीं करते संतों को, हाथ जोड़ के ये महाराज जी पर ऐसे क्या करते हो, झूली नहीं देते, शिक्षा करो। परमात्मा का सानिध्य कौन नहीं चाहता, परमात्मा का सामीप्य कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन उन्होंने घोर तपस्या की थी और उसी तपस्या के फलस्वरूप परमात्मा ने उनको कह दिया कि तुम्हारे घर में हम प्रकट होंगे, आप निश्चिंत रहें शिवदयाल जी, आपके घर में आपकी बेटी के यहां परमात्मा ने प्रकट होना है समय आने। इतना सुनकर शिवलाल जी बड़े प्रसन्न हुए, सारे गांव को पता लग गया कि इनके घर किसी दिव्य पुरुष ने परमात्मा ने प्रकट होना है। और उसके एक साल के अंदर अंदर बंदी छोड़ साहिब प्रकट हो गए। उससे पहले जब माता रानी के गर्भ में सदगुरु जी गर्भस्थ थे, एक दिन दो बड़े वृद्ध संत आए, माता रानी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए जा रही थी। दोनों संतों ने आकर माता रानी को प्रणाम किया, रोक लिया। माता रानी लजा गई, शर्मा गई कि ये क्या हो रहा है, संत मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। दोनों संत कहने लगे, बेटी हमने आपको प्रणाम नहीं किया लेकिन आपके गर्भ में अंतकरण में जो हमारे गुरुदेव सदगुरु कबीर साहिब प्रकट होने वाले हैं हमने उनको प्रणाम किया है।
क्योंकि हमारा उद्धार उन्होंने करना है। और ऐसा कहकर उन्होंने माता रानी की परिक्रमा की, फिर दंडवत प्रणाम किया और फिर देखते देखते परिक्रमा और करने लगे। बात गांव में फैल गई। शिवलाल जी तुरंत दौड़े दौड़े आए, दोनों महात्माओं के चरण लिए, अपने घर में ले गए, चरण पखार कर उनको भोग लगवाया, आशीर्वाद लिया और उसके बाद दोनों महात्मा आदर्श हो गए। महात्माओं की कही हुई बात कभी निष्फल नहीं जा, सत्य प्रतीत होती है। अब देखिए सन 1717 बैसाख पूर्णिमा के दिन बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का प्राकट्य हो जाता है। और प्राकट्य होने से पहले भी एक बड़ी दिव्य लीला, क्योंकि जो अवतारी पुरुष होते हैं उनके साथ दिव्य लीला जुड़ी होती है, प्राकट्य से लेकर और महाप्रयाण तक। आप लोग ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए जेल के सारे ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, यकायक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और माता देवकी के पास से सैकुशल माता यशोदा के पास पहुंच गए। ये सब दिव्य लीलाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से एक दिव्य लीला माता रानी के साथ हुई। प्रसव काल था, प्रसव की पीड़ा भी प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन माता रानी को अचानक गहरी नींद आ जाती है। और नींद में क्या देखती है कि जैसे बहुत मधुर घंटियां बज रही हैं, झांझ, डफली, मंजीरे, मृदंग, पता नहीं कितने किस्म के साज बज रहे हैं, उनको अनुभव हो रहा है सोते सोते। और फिर क्या देखती है, जैसे सपना आया हो कि करोड़ों ही सूर्यों का प्रकाश एक गोले के रूप में ऊपर से नीचे आकर उसी कक्ष में पहुंच जाता है जहां पर माता रानी लेटी हुई है। अब माता रानी की नींद खुल गई और नींद खुलने पर, तंद्रा खुलने पर क्या देखती है कि एक छोटा नन्ना सुंदर सा बालक, एक शिशु पास में खेल रहा है। माता रानी सोचने लगी, ये सच नहीं है, ये सपना है, तेरे को भ्रम हो गया है। हाथ लगाकर बालक को सहलाया और फिर एकदम से बच्चा आदर्श हो जाता है। अब माता रानी बहुत दुखी हुई, इधर उधर हाथ मार रही है कि मेरा बच्चा कोई उठा ले गया, कहाँ गायब हो गया। और फिर से बच्चा खिलखिलाकर हंसता हुआ प्रकट हो जाता है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। अब माता ने अपने हाथों से बच्चे को उठाया, लाड किया, छाती से लगाया। बच्चे ने फिर किलकारी मारी, पहले हंसे फिर किलकारी मारी। सारे परिवार को पता लग गया, परिवार को क्या पूरी नगरी को पता लग गया, ये दिव्य बालक का अवतार हो चुका है। इधर तो छुड़ानी में शिवलाल जी और उनका सारा परिवार और पूरी नगरी में खुशी, मिठाइयां बट रही, बधाई दे रहे हैं। और उधर करौथा में हरदेव जी के परिवार में, उधर भी करौथा गांव में, पूरी नगरी में मिठाइयां, बधाई का दौर चल रहा है। सदगुरु कबीर साहिब के अवतार के रूप में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब प्रकट हुए। कौन सा दिन था? 24 मई, 24 मई सन 1717 मंगलवार का दिन, बैसाख की पूर्णिमा। सूर्योदय होने से एक घंटा पहले अभिजीत नक्षत्र में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब प्रकट हुए। किसके लिए प्रकट हुए? हम सब के लिए, जगत के लिए, ब्रह्मांड के लिए, अखिल ब्रह्मांडों के नायक सदगुरु कबीर साहिब के रूप में। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है, किस प्रयोजन से अवतरण होता है कि शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बंधावे जी। अब वो नगरी तो धन्य है, वो माता धन्य है, वो इलाका धन्य है, वो क्षेत्र धन्य है। गरीबदास साहिब की वाणी में श्लोक आता है,
धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धने, जहां साधु परवेश। गरीबदास साहिब क्या थे, क्या कोई संत थे, क्या सतगुरु थे, क्या अवतार थे? वो तो तीनों ही थे। सतगुरु संत और अवतारा, तीन कला एक दरबार, हमारे कल्याण के लिए आए। अब जब बच्चा होता है, खुशी होती है, मिठाई बटती है, बधाई दी जाती है, यारे प्यारे रिश्तेदार लड़कियां इकट्ठी होती हैं, और इसके बाद आता है नंबर नामकरण का, कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। शिवलाल जी ने अपने नाती के नामकरण के लिए एक विद्वान संत को बुलाया, कबीरपंथी संत थे। संत जी ने नाम रख दिया बहुत सोच विचार के। क्या सोच विचार किया, ये जो शिवलाल जी हैं, इनकी पत्नी है, ये बलराम जी हैं, इनकी पत्नी रानी देवी है, अरे ये चारों तो संतों के दास हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, तो उन्हीं के अनुरूप बालक का नाम रख दिया गरीब दास। गरीब दास, पांच अक्षर है इसमें, ग, र और ब, एक मात्रा ई की और द के आगे आ की मात्रा और फिर से। ग होता है ज्ञान का घोतक, र होता है रमता राम का, ई होता है ईश्वर का, ब होता है ब्रह्म का, द होता है दाता का, आ होता है आदि पुरुष का, और स होता है समर्थ का। यथा नाम तथा गुण, तो गरीबदास, सार्थकता है नाम में, लेकिन प्यार से परिवार के लोग, गांव के लोग कहने लगे गरीबा। अब गरीब को हम कैसे समझें, क्या होता है गरीब? एक तो जो निर्धन है, जो विपन्न है, वो गरीब है, जिसके पास रहने को नहीं, जिसके पास खाने को नहीं, समय पर भोजन और आवास ना हो। लेकिन आज तो जमाना तरक्की कर गया है, बहुत से साधन बन गए हैं, भाई बच्चों को बिठा लो, जो बच्चों को लेके आए वो जिम्मेवारी लेके आए, कथा में भंग होता है, या तो बच्चों को लाया मत करो और नहीं तो अलग दूर बैठा करो, स्पीकर से सुनोगे, इससे वक्ता भी और श्रोता भी दोनों का ध्यान भंग होता है, कथा का नियम है। गरीब का यहां पर अर्थ है जो स्वभाव से गरीब है, स्वभाव से निर्मल है, स्वभाव से विनम्र है, और जो सबका सहायक है दास। दास का अर्थ यहां नौकर नहीं, दास का अर्थ है सहायक, दूसरों की सहायता करने वाला, निस्वार्थ सेवा करने वाला, बिना किसी कारण के सहायता करने वाला। तो गरीब दास हम सबके मालिक हैं और हम सबके सहायक भी हैं। सहायक कैसे हैं? जब भी हम कोई काम करते हैं उनको याद करते हैं, और मुसीबत आने पर तो बारंबार याद करते हैं, वो एक सहायक के तौर पर प्रकट होते हैं। लेकिन किसके लिए प्रकट होंगे? जिसने शरणा ले ली। गरीब दास महाराज जी ने स्वयं अपनी वाणी में लिखा है कि जो जन हमरी शरण है, वाका हूं मैं दास, भगत अनाहत बंदगी, अनंत लोक प्रकाश। बैल बैल ला गया फिरू जब लग धरणी आकाश, जिसने मेरी शरण ले ली मैं उसकी अनंत काल तक सहायता करता। तो आइए यह प्रसंग को आगे बढ़ाएं, नामकरण का प्रसंग तो पूर्ण हो गया, अब आगे आप देखिए कि कैसी कैसी लीला ये दिव्य पुरुष करते हैं। महाराज जी 5 वर्ष के हो चुके थे, अपने गांव में
चुतलाती हुई आवाज में बहुत कुछ बातें बताते थे। लोग कहने लगे कि बलराम का छोरा, बलराम का लड़का इतनी थोड़ी अवस्था में पता नहीं क्या क्या ज्ञान देता है। और एक बड़ी भारी घटना घट जाती है। मैं सतगुरु कबीर साहिब के समय का एक प्रसंग सुना रहा हूं। सभी जानते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब एक मुसलमान जुलाहे के घर में उनका पालन पोषण हुआ। ना उनकी कोई पत्नी थी, ना उनका कोई बेटा था, ना बेटी थी। हम लोग पाठ पढ़ते हैं, ना उनका जन्म हुआ, वो तो प्रकट हुए कि हम अवगत से चलाए। ग्रंथ साहिब में पूर्णाहुति के समय शब्द आता है, हम अवगत से चलाए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाए, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए, काशी नगर जंगल में डेरा, कहां जुलहे को पाए, मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गृहदासी, सब चीजों का खंडन कर दिया। क्योंकि कबीर साहिब सबके हैं, किसी एक दायरे में सीमित नहीं, ना हिंदू मुसलमान का दायरा, ना जात पात का दायरा, ना परिवार का दायरा। उस समय सतगुरु कबीर साहिब के 64 लाख शिष्य बन चुके थे, जिनमें से 4142 पूर्ण संत की पदवी प्राप्त कर चुके थे। क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब के दो प्रकार के भगत थे, एक तो वो थे जो कबीर साहिब को अपना सतगुरु मानकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, और ऐसे जो थे वो फिर ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप देकर पूर्ण संत बन चुके थे। और दूसरे जो भगत थे वो सकाम भक्ति वाले थे, हे सतगुरु जी ये दे दो, हे सतगुरु जी ये दे दो, हे सतगुरु जी ये दे दो, उनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन जो परमात्मा और सतगुरु मानते थे कबीर साहिब को, उनकी संख्या थोड़ी थी। वो यत्र तत्र सर्वत्र कबीर की वाणी का, उनके उपदेशों का प्रचार करने के लिए निकल चुके थे, काशी में बहुत थोड़े रह गए थे। हाँ, सकाम भक्ति वाले रह गए थे। और सतगुरु कबीर साहिब ने एक बार बड़ी भारी दिव्य लीला रची कि मुझे देखना चाहिए कि ये जो मेरे भक्त हैं इनमें कितना मादा है, कितनी सहन शक्ति है, कितनी इनकी भावना है, कितना समर्पण है। सतगुरु कबीर साहिब एक हाथी पर बैठ जाते हैं, बीच में स्त्री को बैठा लेते हैं, पीछे संत रविदास जी बैठ गए, हाथ में गंगा जल ले लिया, उसमें केसरी रंग घोड़ लिया और हाथी पर झूमते हुए चल रहे हैं नगरी के बीच। अब ब्राह्मण लोगों को तो मौका मिल गया, क्योंकि वो सतगुरु कबीर साहिब से ईर्ष्या रखते थे और काजी भी ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि कबीर साहिब स्पष्टवादी थे, जो धर्म का आडंबर करते थे, धर्म के नाम पर शोषण करते थे, उनको खरी खरी सुनाते थे, निंदा नहीं करते थे, स्वस्थ आलोचना करते थे। इसीलिए तो लोग उनके साथ जुड़ते गए, हिंदू भी मुस्लिम भी 64 लाख शिष्य बन गए। तो सतगुरु कबीर साहब की ये लीला देखकर पहले तो लोग सोचने लगे कि ये हमारे सतगुरु की लीला है, लेकिन ब्राह्मणों ने प्रचार कर दिया कि ये देखो नीच जुलाहा, नीच जाति का, ये भगवान कैसे हो सकता है, गुरु कैसे हो सकता है, सतगुरु कैसे हो सकता है, ये अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों को। हम पहले भी कहते थे, लेकिन आज सबने देख लिया कि नीच जुलाहा क्या पाखंड कर रहा है, वेश्या को बैठाया है, शराब की बोतल हाथ में है और एक दूसरे नीच जाति के संत को बैठा रखा है। नीच जाति कोई नहीं होती, ऊंच नीच तो कर्म से है। संत रविदास तो बहुत ऊंची जाति के थे। अगर आज कोई जाति वाला उनको अपनी जाति से जोड़े तो मैं कहता हूं ये सही न्याय नहीं। संत की कोई जात नहीं होती, जात में पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
संत रविदास जी, संत कबीर साहेब तो बहुत ऊंची जाति के, लेकिन लोगों का क्या करें, ऐसी ऐसी कुछ बातें कहने लगे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब जो सतगुरु जी के नाम से जुड़कर पूर्ण संत बन चुके थे, वो तो प्रचार की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से पूरे देश में थे, और जो सकाम भक्ति वाले वो धीरे धीरे पीछे हटने लग गए। उनके दो बड़े प्रिय शिष्य थे, अर्जुन और सर्जुन, बड़ा विश्वास था, लेकिन इस हरकत को देखकर उनका विश्वास भी डोलने लग गया। अभी थोड़ी सी कसर थी तो सतगुरु जी कबीर साहेब हाथी पर झूमते हुए चलते चलते एक चंडाल के चौक में जाकर उस चंडाल की, उसके आंगन में मैली कुचैली चार पाई पर जाकर विराजमान होते। जैसे होने लगे अर्जुन सर्जुन ने हाथ किया, हाथ जोड़े नहीं, हाथ किया। अभी मैं नंबरदार साहब को बता रहा था कि संतों को झूली नहीं देते, हाथ जोड़कर बात करते। सतगुरु जी यहां मत बैठो, ये तो बड़े नीच परिवार का घर है, ऐसी चारपाई पर बैठकर आप शोभा नहीं देंगे। गरीबदास महाराज जी ने कथा लिखी अपनी वाणी में कि अर्जुन सर्जुन ठहरे सतगुर की परतीत, सतगुर यहां ने बैठिए ये द्वारा है नीचे। लेकिन सतगुरु जी बैठ गए। अरे संतों का अवतार तो जात पात को, धर्म मजहब के नाम पर जो पाखंड है, अंधविश्वास है, ढकोला है, गलत परंपराएं है, उनका समूल विनाश करने के लिए तो होता है। ऐसी गलत परंपराओं को जड़ से उखाड़कर फेंक देते हैं संत। और क्या कहा कबीर साहेब ने अर्जुन सर्जुन को, गरीबदास साहेब ने वाणी में फरमाया है, ऊंच नीच में हम रहे हाड चाम की देह, अर्जुन सर्जुन समझियो राखो शब्द स्नेह। इस ऊंच नीच के चक्कर में ना पड़कर तुम्हें तो अपने गुरु का जो शब्द है उस पर प्रतीत करनी चाहिए, बाकी बात छोड़ देनी चाहिए। जो नाम से जुड़ गया उसका कल्याण होगा, जो पाखंड से जुड़ेगा उसका कभी कल्याण नहीं होता। गरीबदास महाराज जी ने जगह जगह अपनी वाणी में लिखा है कि राम रसायन पीजिए यो सरियो दाव, फिर पीछे पछताएगा चला चली हुई। अब उन्होंने माफी मांगी, पैरों में लेटकर वहीं पर दंडौत करके आंसू भर के बार बार रो रहे, सतगुरु जी कृपा करो, हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। आप तो पूर्ण हैं, समर्थ हैं, सत्य पुरुष हैं, सतगुरु हैं। कबीर साहेब कहने लगे, मैं श्राप नहीं दे सकता, क्रोपी नहीं कर सकता, लेकिन जब तुम्हारे को मेरे शरीर से घृणा हो गई है तो तुम्हारा उद्धार मैं ही करूंगा, लेकिन यहां नहीं, 200 साल के बाद बांगड़ प्रांत में, हरियाणा प्रदेश में छुडानी नाम के गांव में मैं अवतरित होऊंगा, तब तुम्हारा कल्याण। 1755 की बात है, सतगुरु कबीर साहब महाप्रयाण कर गए मगहर में जा। उनके महाप्रयाण के बाद अर्जुन सर्जुन ने, क्योंकि अपने सतगुरु के श्रीमुख से सुना था हरियाणा, अब खोज में लग गए कोई हरियाणे का आदमी मिले। सोनीपत जिले के सिसाना गांव का एक ब्राह्मण था, वो बहुत समय से काशी में जाता था सतगुरु कबीर साहेब का दर्शन करने। उसने कबीर साहेब के बीजक को कंठ कर रखा था, तभी अर्जुन सर्जुन की उससे मुलाकात हुई थी, वो जाट गए, और संयोग से कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण आया। अर्जुन सर्जुन ने सारा वृतांत सुनाया, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, और हमारे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर ने कहा कि हरियाणा में हम प्रकट होंगे, हमारे को हरियाणा ले चलो। वो ब्राह्मण ज्यादा पैसे वाला नहीं था, फिर भी उनको साथ लिया। उसके एक बहुत जानकार परिवार थे, जाट परिवार, रोहतक से खरखोदा के बीच में हुमायूंपुर गांव पड़ता है, और संयोग से वो धनखड़ों का ही गांव है।
गरीबदास साहिब का जो गोत्र धनखड़, उसी धनखड़ गोत्र के परिवार में बड़ा अच्छा परिवार था, पैसे वाला, पक्का मकान था, खेतों में भी उन्होंने एक मकान बना रखा था, अर्जुन सर्जुन की रहने की व्यवस्था हुमायूंपुर के उस भगत ने वहां पर कर दी। पति पत्नी दोनों नित्य ही भोजन लेकर जाते। अब अर्जुन सर्जुन ने देखा ये 200 साल का समय, क्योंकि उस समय तो उनकी आयु 103 साल थी, तो उन्होंने बड़ी योग भरी तपस्या की। योगी बहुत समय तक अपने शरीर को रख सकते हैं, और इस बीच में 1717 से एक साल पहले जाकर माता रानी की परिक्रमा करके आए। चलने फिरने में वो सक्षम नहीं थे, लेकिन योग शक्ति के बल पर गए थे। अब समय आ गया बंदी छोड़ के अवतरण का, 1717। उस समय उनकी आयु 250 साल हो चुकी थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, घिसट घिसट कर चलते थे। गरीबदास साहेब 5 साल के हो चुके थे। प्रार्थना की उन्होंने उस जमींदार से, वो तो चला गया, उसकी चौथी पीढ़ी आ गई थी कि बच्चों तुम्हारे दादा परदादा ने बहुत सेवा की है, तुम्हारे पिता ने बहुत सेवा की है, तुम भी सेवा कर रहे हो, एक छोटी सी सेवा और कर दो, उपकार कर दो हमारे ऊपर, हमारे को बैलगाड़ी में ले जाकर हमारे सदगुरुदेव का दर्शन करा। बैलगाड़ी में किसी प्रकार से बैठकर लेटे हुए आ गए, और घिसट घिसट कर गरीबदास साहिब का 5 साल की उम्र में दर्शन किया, नमस्कार की, रोने लगे। सदगुरु जी बंदी छोड़ गरीबदास जी ने तोतली आवाज में कहा, महापुरुषो इस चोले को अभी तक घसीट रहे हो? बस इतना कहते ही दोनों आदर्श हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि सदगुरु जी मुक्ति देने वाले हैं। बंदी छोड़ साहेब बाल्यकाल से ही ऐसी दिव्य लीलाएं करते थे। तो प्रेमियों, क्योंकि 9 दिन में मैंने गरीबदास महाराज जी की पूरी कथा सुनानी है, आज प्रारंभ का दिन है, बहुत से लोगों को अभी पता नहीं चला, तो कल 8 बजे फिर से कथा प्रारंभ होगी 9 बजे तक। आज मेरा गला भी ज्यादा साथ नहीं दे रहा, कल फिर आपको गरीबदास साहिब की जो कथा है, एक एक प्रकरण, एक एक विषय, एक एक घटना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये सारी घटनाएं गरीबदास महाराज जी के सुपुत्र जैतराम जी ने लिख रखी। और एक संत हुए हैं ब्रह्मानंद जी, लाहौर वाले, गुजरी वाले कहते थे, लाहौर में हुए थे, जो गरीबदास महाराज जी के बाद तीसरी पीढ़ी में थी, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में सारा वर्णन दे रखा है। जैतराम महाराज जी ने अपने पिता श्री अपने गुरुदेव बंदी छोड़ गरीबदास जी के पूरे शरीर का, भव्य आकृति का ऐसा विवरण दे रखा है जैसे हम स्वयं गरीबदास साहिब का अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। क्या लिखा है जैतराम जी ने कि मेरे गुरुदेव मेरे पिता लंबे कद के, घुंघराले बालों वाले, चमकीले दांतों वाले, ऐसी ये जो भौहें तीर की तरह से मुड़ी हुई, लंबे हाथ, सफेद चोगा, सफेद धोती, सफेद पगड़ी सिर पर, उनका नाक तोते की तरह मुड़ा हुआ बड़ा सुंदर, आंख मोतियों की जैसे, कमर शेर की तरह, जैसे अखिल ब्रह्मांडों का कोई शहंशाह चला आ रहा है, गले में दुपट्टा सफेद, कानों में इतनी सुंदर आकृति है, नाखूनों तक का जिक्र किया कि सफेद के अंदर लालिमा, बड़ा, क्योंकि उन्होंने तो अपने पिता श्री का गुरुदेव का बहुत साल तक दर्शन किया, एक एक स्वरूप उन्होंने लिख कर दिया है जैतराम जी। समय आने पर वो पढ़कर सुनाऊंगा। सो आज मैं इतना ही कहकर कथा की पूर्णता करता हूँ। जो महापुरुष आए हैं, जो माताएं बहनें आई हैं, छुड़ानी गांव के बाहर के सेवादार आए हैं,
कल भी आप लोग आओ, दूसरों को भी बताओ, सत्संग भी होगा कल, कथा भी होगी। आज क्योंकि रामजीदास महाराज जी कुछ अस्वस्थ हैं, कल आएंगे, इसलिए मैं तो कथा पूर्ण कर रहा हूं। किसी महापुरुष से निवेदन करूंगा कि जब तक प्रसाद का वितरण हो, कोई भजन कोई प्रसंग सुनाए, भजन सुना दे तो अच्छा है महाराज जी, कोई भी आ जाए, जो इच्छुक हूं आ जाइए महाराज जी। इधर प्रसाद का वितरण नंबर डाल शुरू करो, पहले माताओं को, संतों को, उधर भी भक्त बैठे हैं सामने। बोलिए बंदी छूण महाराज की जय, सात साहे रतनलाल जी, आप भी साथ लग आओ महाराज। बंदी छोड़ महाराज की जय, स्वामी धाम की जय, सात साहेब सात साहेब। सुनियो संत सुजाग गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजाग गर्व नहीं करना रे, चार दिना की चैर बनी है आकर तुमको मरना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, खाले पीले बिलसी में हंसा जोर जोर नहीं डरना रे, खाले पीले बिलसी में हंसा जोर जोर नहीं डरना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, तू जाने मेरी ऐसे निभेगी, तू जाने मेरी ऐसे ही निभेगी, हर दम लेखा भरना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, दस गरीब कहे भाई साधो, दस गरीब सकल में साहेब, दस गरीब सकल में साहेब, नहीं है किसी से अरना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे, और जन्म बहुत तेरे होंगे, और जन्म बहुत तेरे होंगे, मनुष्य जन्म जो हेला रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, अरब खराब लग माया जोड़ो, अरब खराब लग माया जोड़ो, सुन चल सीधे बारे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, जो तो कहे मैं लश्कर जोड़ू, जो तो कहूँ मैं लश्कर जोड़ू, चलना तुझे अकेला रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, ये तो मेरी सत की नवरिया, ये तो तेरी सत की नवरिया, सतगुर पारी पहला रे, सुनियो संत सुजान दिया महला रे, दस गरीब कहे वही साधो, दस गरीब कहे वही साधो, सब्ज गुरु चित तेरा रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे, बोल मनीष भगवान।